नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर टेन है इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए ट्वेंटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं यदि आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से सीपीसीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है निम्न में से कौन असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है यह कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है क्वेश्चन आपको यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन तैयार करने हैं जो असेंबली लैंग्वेज है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को हमें यदि मशीन लैंग्वेज में बदलना है मशीन कोड में बदलना है तो उसके लिए हमें असेंबलर का यूज करना होता है असेंबलर का जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलना होता है कन्वर्ट करना होता है जिसके लिए असेंबलर का यूज किया जाता है जो असेंबली लैंग्वेज है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं नेमोनिक कोड नेमोनिक कोड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेमोनिक कोड ne का यूज किस लैंग्वेज में किया जाता है यहाँ पर एम साइलेंट होता है नेमोनिक कोड ne कहलाते हैं नेमोनिक कोड का यूज असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है नेमोनिक कोड ne कुछ वर्ड के शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे कि एडिशन को हम लिख सकते हैं एड सब को लिख सकते हैं सब यह शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं नेमोनिक कोड तो जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं और असेंबली लैंग्वेज में बनने वाले प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं लेकिन कंपाइलर प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनता है उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ब्लैंक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ब्लैंक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है यह क्वेश्चन भी कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ब्लैंक इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देशों का एक सेट होता है जो किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वह मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है यह इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्राम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसके लिए हमें कोडिंग करनी होती है कोडिंग मतलब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोडिंग कोडिंग इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम एप्लीकेशन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का सेट होते हैं जो किसी ना किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उस प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूट करना होता है एग्जीक्यूट किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूट करना होता है और प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइल करना होता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोडिंग इंस्ट्रक्शंस का सेट होती है जिसे किसी ना किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को या लाइन को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है अलाइनमेंट से संबंधित यहाँ पर भी आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे पहला क्वेश्चन बनता है कि टेक्स्ट के अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल एक होता है राइट right अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर एक होता है सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई e, और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्टेड लाइन या टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वह शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस जे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेकिन यहां पर आपको तीन शॉर्टकट की और तैयार करनी है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल प्लस एंड से हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्जर को ट्रांसफर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की एंडिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट का यूज किया जाता है तो यहाँ पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है बाय डिफॉल्ट एम एस वर्ड में टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट आप देख सकते हैं होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट एम एस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट इसके अलावा हम कंट्रोल ई e से सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं कंट्रोल आर से राइट right अलाइनमेंट कर सकते हैं और कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं तो टोटल चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर के ब्लैंक को हर्ज में मापा जाता है मॉनिटर के ब्लैंक को हर्ज में मापा जाता है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मॉनिटर से संबंधित मॉनिटर के ब्लैंक को हर्ज में मापा जाता है मॉनिटर की ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसे हर्ज में नापा जाता है मॉनिटर क्या है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है मॉनिटर के कई कैरेक्टर स्टिक्स होते हैं जैसे कि एक होता है रिजोल्यूशन एक होता है रिफ्रेश रेट और एक होता है डॉट पिच मॉनिटर के कई कैरेक्टर स्टिक्स होते हैं कई होती हैं, जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है रिजोल्यूशन इसे पिक्सल पर इंच में नापा जाता है पीपीआई में नापा जाता है रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर टोटल कितने पिक्सल शो किए जा रहे हैं टोटल पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन स्क्रीन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसे एक डॉट से एक पिक्सल से बनाया जाता है और पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है और रिजोल्यूशन जितना कम होता है पिक्चर की क्वालिटी उतनी खराब हो जाती है तो रिजोल्यूशन को तो पीपीआई में नापा जाता है पिक्सल पर इंच में जो रिफ्रेश रेट होता है रिफ्रेश रेट को हर्ज में नापा जाता है हर्ज में रिफ्रेश रेट क्या होता है मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है बनाया जाता है उसको एक सेकंड के अंदर कई बार बनाया जाता है कई बार मिटाया जाता है मतलब मॉनिटर स्क्रीन पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन शो की जाती है उसको सेकंड में कई कई बार बार स्क्रीन पर बनाया जाता है, कई बार मिटाया जाता है है मिटाया यह बहुत ही फास्ट स्पीड में किया जाता है इसलिए यह नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता है जो रिफ्रेश रेट होता है इसे हट में नापा जाता है और रिफ्रेश रेट के द्वारा मॉनिटर स्क्रीन पर शो होने वाले ऑब्जेक्ट को एक सेकंड में कई बार बनाया जाता है और मिटाया जाता है तो मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ज में मापा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर में सिलेक्टेड टैब को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वेब ब्राउजर में सिलेक्टेड टैब को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन वेब ब्राउज़र से पूछा गया है वेब यूज किया जाता है यदि आपको कोई वेब पेज ओपन करना है कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है कई प्रकार के वेब ब्राउजर यूज किए जाते हैं जैसे कि गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा मिनी एप्पल सफारी कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं वेब ब्राउजर का यूज वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वेब ब्राउजर में सिलेक्टेड टैब को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं यदि आपको सिलेक्टेड टैब को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्लू कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से वेब ब्राउजर का सिलेक्टेड टैब क्लोज हो जाता है और कंट्रोल प्लस टी से नया टैब ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस टी से न्यू टैब ओपन होता है और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से सिलेक्टेड टैब को क्लोज कर दिया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को आम तौर पर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को आम तौर पर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है यह क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा नहीं है हमें यहां पर बताना है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर वह होते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं जिनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वह कहलाते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब साइज में छोटे होते हैं वजन में हल्के होते हैं और आसानी से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को आमतौर पर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है तो लैपटॉप तो एक पोर्टेबल कंप्यूटर है लैपटॉप को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले सकते हैं टैबलेट भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है और पीडीए भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, है स्मार्टफोन यह कहलाते हैं पीडीए पीडीए का फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए साइज में सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर होता है तो लैपटॉप टैबलेट और पीडीए पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता है सुपर कंप्यूटर से संबंधित आपको कई प्रकार की जानकारी पता होनी चाहिए सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है और प्राइस में सबसे अधिक महंगा होता है उसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा आकार का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर स्पीड में सबसे अधिक फास्ट सुपर कंप्यूटर और कॉस्ट में सबसे महंगा होता है सुपर कंप्यूटर जो कि लाखों करोड़ों प्रोसेस को एक साथ रन करने की सुविधा प्रदान करता है तो यहां पर सुपर कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर एल का फुलफॉर्म क्या होता है यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है, है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पेपर में पूछा गया है यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है यू आर एल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एल का फुल फॉर्म होता है यू आर एल किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है किसी वेब पेज को इंटरनेट पर पहचानने के लिए यू आर एल का यूज किया जाता है किसी वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यू आर एल का यूज किया जाता है यू आर एल किसी वेब पेज या वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसका फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और किसी वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यू आर एल का यूज किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्लू को किस ईयर में बनाया गया था डब्लू को किस ईयर में बनाया गया था बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डब्लू टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं डब्लू से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन बनता है डब्लू डब्लू का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है जिसे शॉर्ट में डब्लू थ्री भी कहा जाता है और डब्लू थ्री का फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 को डब्लू थ्री भी कहा जाता है और दोनों का फुल फॉर्म ही क्या होगा वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है और इसे सन उन्नीस में बनाया गया था सन उन्नीस में डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसे डब्ल्यू भी कहा जाता है डब्ल्यू को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है और इसे सन उन्नीस में बनाया गया था तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन्नीस सौ नवासी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करता है हमें एक क्वेश्चन दिया गया है सॉफ्टवेयर से संबंधित ब्लैंक सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करता है सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन है हमें चार प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग यूजर के द्वारा कई प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है तो सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर यह सभी होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जबकि दूसरी कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं किसी फिक्स कार्य को करते हैं वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक का उपयोग प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है ब्लैंक का उपयोग प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्न में से किस ऑप्शन का यूज प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है यदि हमें अपने किसी प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से बचाना है एक्सटर्नल अटैक से बचाना है तो हमें फायरवॉल की आवश्यकता होती है फायरवॉल। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि किसी प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से मतलब एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल एक फिल्टर का कार्य करता है फिल्टर का जब भी नेटवर्क से कोई डेटा आता है या नेटवर्क में कोई डेटा जाता है तो फायरवॉल पहले उसे चेक करता है यदि में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पैकेट को फायरवॉल के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है मतलब हमारे नेटवर्क में आने वाले सभी प्रकार के डेटा की पहले चेकिंग की जाती है फायरवॉल से उसके बाद उसको नेटवर्क में एंटर किया जाता है मतलब प्राइवेट नेटवर्क में आउटसाइड अटैक को या एक्सटर्नल अटैक को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लैंक डिजिटल इमेज या ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई या यूनिट है जिसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है एक ब्लैंक डिजिटल इमेज या ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई या यूनिट है जिसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मॉनिटर स्क्रीन से संबंधित मॉनिटर स्क्रीन से संबंधित डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस क्या होती हैं डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस होती हैं मॉनिटर मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और मॉनिटर पर जब भी कोई डिजिटल इमेज शो की जाती है या कोई ग्राफिक्स शो किया जाता है तो वह इमेज या ग्राफिक्स बनी होती है मल्टीपल पिक्सल से पिक्सल से किसी भी पिक्चर का किसी भी ग्राफिक्स का किसी भी इमेज का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है पिक्सल पिक्सल मतलब एक डॉट जब भी स्क्रीन पर जब भी मॉनिटर पर किसी डिस्प्ले डिवाइस पर कोई ऑब्जेक्ट शो किया जाता है तो वह एक डॉट के द्वारा शो किया जाता है मल्टीपल डॉट से मिलकर बना होता है इस डॉट को कहा जाता है पिक्सल और पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन जो रिजोल्यूशन होता है वह नंबर ऑफ पिक्सल होता है मतलब किसी भी डिजिटल डिवाइस पर जो ग्राफिक्स या किए जाते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी यूनिट क्या होती है पिक्सल जिसे डॉट भी कहा जाता है और पिक्सल के ग्रुप को रिजोल्यूशन कहा जाता है रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है रिजोल्यूशन कम होने पर पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाती है और रिजोल्यूशन में मल्टीपल पिक्सल का ग्रुप होता है पिक्सल इमेज की या ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई होती है ब्लैंक कंटेनर का उपयोग लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर को रखने के लिए किया जाता है ब्लैंक कंटेनर का उपयोग लेजर प्रिंटर में पाउडर को रखने के लिए किया जाता है यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है प्रिंटर से संबंधित प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक कंटेनर कंटेनर मतलब एक ऐसी लोकेशन एक ऐसी जगह है जहां पर किसी चीज को रखा जाता है स्टोर किया जाता है ब्लैंक कंटेनर का उपयोग लेजर प्रिंटर में लेजर प्रिंटर का एक टाइप है लेजर प्रिंटर प्रिंटर का एक टाइप है जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करता है और यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है नॉन इंपैक्ट का मतलब है यह प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है फास्ट स्पीड में वर्क करता है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होती है लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर को रखने के लिए किया जाता है जो प्रिंटर है वह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि कम साउंड करता है फास्ट स्पीड में वर्क करता है हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है और लेजर प्रिंटर में जो पाउडर यूज होता है उस पाउडर को कहा जाता है टॉनर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेजर प्रिंटर में यूज होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है टॉनर यह एक ड्राई पाउडर होता है सूखा पाउडर होता है और पाउडर को स्टोर किया जाता है कॉट्रेज में क्वरेज में वो भी टॉनर कॉटरेज में जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें ड्राई पाउडर यूज किया जाता है इस पाउडर को कहा जाता है टोनर और टोनर को भरा जाता है रखा जाता है कॉटरेज में तो टोनर कार्ट्रिज का उपयोग लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर को रखने के लिए किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोनर कार्ट्रिज में लेजर प्रिंटर का जो टोनर होता है पाउडर होता है उसे भरा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिसिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है एक और क्वेश्चन हमें प्रिंटर से संबंधित मिला यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं हमसे पूछा गया है डेस्कटॉप पब्लिसिंग के लिए डेस्कटॉप पब्लिसिंग को शॉर्ट में डीटीपी कहा जाता है डीटीपी डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिसिंग जो बुक पब्लिश होती है न्यूज पेपर पब्लिश होते हैं कार्ड पब्लिश होते हैं प्रिंटिंग प्रेस का जो वर्क होता है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप पब्लिसिंग जिसे शॉर्ट में डीटीपी कहते हैं डीटीपी के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है जो डी वर्क होता है या डेस्कटॉप पब्लिशिंग का वर्क होता है इसमें आमतौर पर लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है क्योंकि लेजर प्रिंटर एक सबसे फास्ट प्रिंटर होता है हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि लो साउंड में हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीटीपी वर्क में या डेस्कटॉप पब्लिसिंग के वर्क में लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है मतलब ऑन नहीं हो सकता है कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो यह सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है पहला ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट तो प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है कार्य होता है मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है लेकिन जो सीपीयू है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट या भाग नहीं होता है सीपीयू जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं प्रोसेसर यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है दिमाग होता है मस्तिष्क होता है सीपीयू एक हार्डवेयर पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मतलब सॉफ्टवेयर होता है तो सीपीयू इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है और यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर फाइल्स और डायरेक्टरीज को स्टोर मैनेज सेपरेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर पर फाइल्स और डायरेक्टरीज डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर होता है को स्टोर मैनेज और सेपरेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है यदि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल और फोल्डर को स्टोर करना है मैनेज करना है सेपरेट मतलब अलग अलग करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे यहां पे डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर तो यदि हमें किसी भी कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करना है तो हमें फोल्डर की जरूरत होती है फोल्डर की और फोल्डर को ही कहा जाता है डायरेक्टरी यदि हमें किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी डिस्क पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना है तो डायरेक्टरी की जरूरत होती है जिसे कहा जाता है फोल्डर एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं और सब फोल्डर भी हो सकते हैं सब फोल्डर मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल हो सकती हैं और सब डायरेक्टरी भी हो सकती हैं तो फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए डायरेक्टरी या फोल्डर का यूज किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड के किस टैब में वॉटर मार्क ऑप्शन प्राप्त होता है एमएस वर्ड के किस टैब में वॉटर मार्क ऑप्शन प्राप्त होता है यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है एमएस वर्ड के किस टैब में वॉटर मार्क ऑप्शन प्राप्त होता है वॉटर मार्क क्या होता है वॉटर मार्क को पेज के बैकग्राउंड में ऐड किया जाता है जो हम एमएस वर्ड में पेज तैयार करते हैं उसके बैकग्राउंड में यदि हमें कोई टेक्स्ट लिखना है कोई इमेज सेट करनी है कोई लोगो ऐड करना है हमें कोई इंफॉर्मेशन यदि पेज के बैकग्राउंड में शो करनी है लाइट कलर में जिससे कि हमारा टेक्स्ट भी कवर ना हो टेक्स्ट को हम सही तरीके से देख पाए पढ़ पाए और बैकग्राउंड में हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई इमेज भी ऐड कर पाए तो उसके लिए वॉटर मार्क का यूज किया जाता है वॉटर मार्क को टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ऐड किया जाता है जो कि टेक्स्ट हो सकता है इमेज हो सकता है और यह लाइट कलर से होता है जिससे कि हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट इसमें कवर ना हो वॉटर मार्क ऑप्शन डिजाइनिंग से संबंधित होता है इसलिए यह एम एस वर्ड के डिजाइन टैब में प्राप्त होता है जैसे कि थीम ऑप्शन है पेज बॉर्डर है वॉटर मार्क है यह सभी ऑप्शन डिजाइन टैब में प्राप्त होते हैं यदि हम एम एस वर्ड का डिजाइन टैब सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर डिजाइनिंग से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन हैं जैसे कि थीम्स वॉटर मार्क पेज कलर पेज बॉर्डर यह सभी ऑप्शन डिजाइन टैब में प्राप्त होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजाइन एम एस वर्ड के डिजाइन टैब में वॉटर मार्क ऑप्शन प्राप्त होता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है पेज उसे कहा जाता है स्लाइड पावर प्वाइंट में जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड यदि हमें स्लाइड पर किसी भी एरिया में टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट टाइप करना है तो हमें टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है टेक्स्ट बॉक्स की स्लाइड पर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है इंसर्ट टैब में यदि हमें पावर पॉइंट स्लाइड पर टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है और टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है इसे हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं यदि हमें अपनी इस स्लाइड पर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो हम इंसर्ट टैब से यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं यह होता है टेक्स्ट बॉक्स तो पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है में से कौन सा MS Excel में mixed cell reference का एग्जाम्पल है में में से कौन सा MS Excel में mixed cell reference का example है? यह क्वेश्चन एम एस से पूछा गया है और यह क्वेश्चन मिक्सड सेल रेफरेंस का है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सेल रेफरेंसिंग का एक क्वेश्चन समझा था वहां पर भी हमने सभी प्रकार की सेल रेफरेंसिंग को समझा था सेल रेफरेंसिंग या सेल एड्रेसिंग क्या होती है एमएस एक्सेल में हमें एक वर्कशीट प्रदान की जाती है जिसमें मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं कॉलम को एबीसीडी से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है जबकि रो को नंबर से वन टू थ्री से रिप्रेजेंट किया जाता है जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है सेल हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है उससे कहा जाता है सेल एड्रेस हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है उसे कहा जाता है सेल एड्रेस सेल को उसके एड्रेस से पहचाना जाता है सेल एड्रेस कैसे बनता है फॉर एग्जाम्पल इस सेल का एड्रेस क्या होगा इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B2 B बी कॉलम और टू नंबर की रो सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नंबर आता है एम एस में तीन प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं एक होता है रिलेटिव सेल एड्रेस दूसरा होता है सेल एड्रेस और एक होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस तीन प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस कौन सा होता है फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा B2 तो पहले कॉलम का नाम फिर रो का नंबर यह कहलाता है रिलेटिव सेल एड्रेस और एप्सिल्यूट सेल एड्रेस कैसे बनेगा रो के आगे और कॉलम के आगे यदि हम डॉलर का सिंबल लगा देंगे तो यह कहलाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस जो कि एक फिक्स सेल एड्रेस होता है यह चेंज नहीं होता है जबकि रिलेटिव सेल एड्रेस चेंज हो जाता है जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को ड्रैग करने पर यह चेंज नहीं होता है और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कॉलम के आगे और रो के आगे डॉलर लगा दिया जाता है तीसरा सेल एड्रेस होता है मिक्स्ड मिक्स्ड मतलब इसमें आधा पार्ट हो जाता है रिलेटिव और आधा पार्ट हो जाता है एप्सिल्यूट फॉर एग्जाम्पल हमने कॉलम के आगे डॉलर लगा दिया और रो के आगे डॉलर नहीं लगाया यह कहलाएगा मिक्स सेल एड्रेस क्यों क्योंकि कॉलम हो गया एफ्सिल्यूट और रो हो गई हमारी रिलेटिव इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमने कॉलम को कर दिया रिलेटिव और रो को कर दिया यहां पर एफ्सिल्यूट तो यह कहलाएगा मिक्स्ड सेल एड्रेस यह भी कहलाएगा सेल एड्रेस में तीन प्रकार की सेल सेल या एड्रेसिंग यूज की जाती है एक होती है रिलेटिव जिसमें डॉलर का यूज नहीं किया जाता है एब्सोल्यूट जिसमें रो और कॉलम के साथ डॉलर सिंबल लगाया जाता है और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग जिसमें रो या कॉलम में से किसी एक को एब्सोल्यूट बना दिया जाता है और किसी एक को रिलेटिव बना दिया जाता है तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एम एस में मिक्सड सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर ए में तो दिया गया है हमें रिलेटिव सेल एड्रेस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्योंकि कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर लगा है यहां पर जो सेल एड्रेस दिया गया है यह तो एक रॉन्ग एड्रेस है क्योंकि डॉलर का सिंबल कॉलम के पहले आएगा और रो के पहले आएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो डॉलर ए है यह कॉलम हो गया एफ और जो फाइव है यह है रो हो गई रिलेटिव मतलब यह हमारा आंसर होगा इसमें कॉलम को एफ्सिल्यूट बनाया गया है और रो को बनाया गया है रिलेटिव तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन और होम यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन और होम यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है या यूजर को इंटरनेट की सर्विस कौन उपलब्ध कराता है तो यूजर को या किसी कंपनी को इंटरनेट की सर्विस आईएसपी उपलब्ध कराता है आईएसपी आई कुछ कंपनियां होती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या होम यूजर्स को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती हैं और आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ कंपनियां होती हैं जो यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल में ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है सभी टेक्स्ट का चयन मतलब ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है यदि आपको एमएस वर्ड में कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन यूज होता है ऑल जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ए ऑल की शॉर्टकट की होती है जिसका यूज कंप्लीट फाइल को या कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए आपको तीन शॉर्टकट की और तैयार करनी है कंट्रोल प्लस एस सेव की शॉर्टकट की होती है सेव की कंट्रोल प्लस एफ फाइंड की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल प्लस बी बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के 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 लिए प्लस S, के लिए F, के लिए कंट्रोल 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 प्लस 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 एस एफ फाइंड और बी बोल्ड के लिए यूज किया जाता है हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है वह होगा कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल इसे हम एम एस पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं यहां पर हमने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई है यदि हमें कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का यूज करेंगे कंट्रोल ए से कंप्लीट टेक्स्ट या कंप्लीट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित ट्वेंटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझा है जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़े समझें यदि आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद